आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट फॉर्मेट के बारे में कि फॉर्मेट को ऑटोमेट कैसे किया जा सके। तो ये चार टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो हम आपके साथ एक अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होगा, इस बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नेम। देखिए, जब भी अटेंडेंस बनाएंगे या कुछ भी फॉर्मेट बनाते हैं तो जो यूनिक है वो पहले आएगा, जैसे कि एम्प्लॉई कोड। फिर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिया और फिर मैं यहाँ पे डेट देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने मार्च का बनाना है मुझे, तो मार्च की डेट पहली डेट डालूंगा मैं यहाँ पे। और मार्च की पहली डेट डालने के बाद बाकी के डेट्स के लिए मैं इसमें प्लस कर देता हूं, प्लस वन। फिर नीचे की तरफ आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देता हूं। प्लस वन करने से जनरली भी सिलेक्ट करके ड्रैग किया जा सकता था, तो फिर आपको हर महीने आपको ड्रैग करना पड़ता। बट इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं जनवरी का डेट डाल के एंटर मारा तो पूरा डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। हमने क्या किया, जस्ट हमने पहले वाले डेट में प्लस वन कर दिया। मुझे इसके ऊपर सैटरडे संडे का चाहिए, सैटरडे कौन सा संडे कौन सा है। तो मैंने क्या किया कि टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सिलेक्ट किया और इसमें तीन बार डीडी कर दिया, जो कि मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग समझाया था। आगे की तरफ बढ़ा और डेट्स को सिलेक्ट कर दिया, डेट आ गया हमारा। इसके बाद क्या करना है, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे और है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं अगर यहाँ पे फरवरी की डेट डालूं तो यहाँ पे आप देखिए एक मार्च दो मार्च आ गए। तो मैं चाहता हूं कि उतना ही मुझे डेटा क्रिएट हो जितना उस महीने में दिन हो। जी हाँ, महीने से दिन से ज्यादा ना। कैसे करेंगे, तो यहां पर हम फॉर्मूला देते हैं इफ का और बोलते हैं कि इफ अगली डेट तो ज्यादा है ईओ मंथ। अब ईओ मंथ क्या करता है कि इसके अंदर कोई भी डेट ले लीजिए, उस डेट का लास्ट मंथ देता है, सॉरी उस डेट के लास्ट मंथ का डेट देता है, सॉरी उस मंथ के लास्ट डेट देता है, लास्ट मंथ नहीं उस मंथ में यहां पर देता है। तो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो यहां पे ब्लैंक आ जाओ, नहीं तो ए वन प्लस किया, ऐसा ही हुआ। और आगे ड्रैग करने पे एरर आएगा। हमने बोला कि इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन ईओ मंथ है और ईओ मंथ में हमने कोई एक डेट ले लिया कॉमा जीरो, ऐसा है तो ब्लैंक, नहीं तो इसी में प्लस वन। इसको आगे की तरफ हमने जाएंगे। अब यहां पे एक जगह पे एरर आया, अब हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का।
कि मुझे एरर को ब्लाइंड करना है, इफ एरर को, और यहां पे हम दे देंगे कॉमा जीरो या ब्लाइंड। फॉर्मूला समझ में आया है नहीं काम आते ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया कि नहीं सर? हेलो जी सर समझ में आ गया। और तो नहीं है फॉर्मूला से? नहीं अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ कि अगर मैं मार्च का डेट डालता हूं तो मार्च के डेट पर अकॉर्डिंग आता हूं। अब ये तो प्रॉब्लम है लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि बहुत सारे लोगों का वन टू वन नहीं होता है। राकेश जी आप लोगों का अटेंडेंस सिस्टम क्या है, वन टू वन या बीस से इक्कीस, इक्कीस से बीस? क्या सर? तो बहुत सारे लोगों का होता है इक्कीस तारीख से स्टार्ट, से चलता है 21 से 20। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम ये आया कि मैं अगर 21 फॉरवर्ड ही डालूं यहां पे डेट याद है कि 22 मार्च आ गए, तो यहां पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला लगाना है यहां पे ए कि इफ अगर यहां पे इफ अगर हमने इसमें प्लस वन किया और वो ग्रेटर देन हमारा महीने के स्टार्ट डेट से है तो यहां पे ब्लैंक का है, नहीं तो फिर इसमें प्लस वन का। ग्रेटर देन हमेशा बराबर ही रहेगा ना, इसका डे निकालना होगा मुझे, मुझे डे डे ही चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इफ का, इफ में दूंगा डे और इसमें करूंगा प्लस वन और बोलूंगा क्या वो ग्रेटर देन डे फाइव है, ऐसा है तो ब्लाइंड नहीं तो इसमें प्लस वन का आया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले डी फाइव को फ्रीज करना होगा, डी फाइव फिक्स है और यहां पे मुझे इफ एरन का फॉर्मूला लगाना होगा और ब्लाइंड करना। ये फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? मामला में कोई डाउट है? डी क्या करता है, किसी डेट किसी भी डेट का डे निकालता है, इक्कीस तो इक्कीस अलग निकालता है। तो हमने बोला कि 19 मार्च में प्लस वन करने पे उसका डे
क्या E5 के डे से बड़ा है तो ब्लैंक कर दीजिए, नहीं तो आगे कुछ सीक्वेंस को कंटिन्यू कीजिए। अब चलिए वापस चलते हैं अपने इस डेटा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जहां जहां सैटरडे संडे है वहां वहां हाईलाइट कर सकूं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम ये होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और यहां पे मुझे दो कंडीशन है कि अगर सैटरडे हुआ तो हाईलाइट हो जाए या संडे हुआ तो हाईलाइट हो जाए। यहां पे और का फॉर्मूला अप्लाई होगा और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऊपर कि क्या ये सैटरडे है कॉमा, वापस इसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा क्या ये संडे है। ड्रैग करने से पहले हमें इसकी कॉलम के रो को डिलीट कर देना है और यहां फॉर्मेट में आके हम यहां से येलो कलर या कोई कलर चाहिए वो चूज कर लिया देन ओके। फॉर्मेट प्रिंटर से हमने इसको प्रिंट कर दिया जहां तक देखा है। कुछ नाम भी दे देते हैं, और यहां डिपार्टमेंट में हाईलाइट क्यों नहीं हुआ कलर, वो हमने यहां इक्को लगाना भूल गया, इक्को लगाना जरूरी है। हमारा जहां जहां सैटरडे संडे था वहां वहां हाईलाइट हो। अब मुझे यहां भी क्या करना है, मैं यहां भी एक और काम करता हूं, यहां पे डालता हूं मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्या रूल, क्या यूज होता है हमारे एक्सेल में, क्या होता है कि इसमें आप लीव वगैरह एंट्री करेंगे, यहां पे लीव एंट्री। अब उसमें दिक्कत क्या होगा आपको कि अब हमें पेबल लीव उसी को देना है जिसकी ज्वाइनिंग डेट 3 महीने से ऊपर की, समझे कि ज्वाइनिंग डेट 3 महीने से ऊपर की है, हमें उसी को लीव देंगे, बाकी अगर लीव देते हैं तो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। ये हमारा डेट है। अब इसके लिए हम यहां पे देते हैं कंडीशन, और एक कंडीशन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाके देंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और मैं बोलता हूं ऊपर की डेट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर वो ग्रेटर देन 90 है, 3 महीने 90 कर देता हूं, और यहां पे हम रेड कलर। लेकिन ड्रैग करने से पहले करेंगे E5 के E के आगे का डॉलर हटा देते हैं और D6 के आगे का डॉलर, ये करना जरूरी है एंड ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर से हम पेंट कोई हाईलाइटेड नहीं है। अब मैं यहां पे मार्च का डेट डालता हूं, अप्रैल का डेट डालता हूं,
अब यहाँ पे बाकी सब हाईलाइट हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये तो नहीं दिया ना कि लीव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैनेज रूल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे रेड वाले पे, और यहाँ हम डालेंगे फॉर्मूला और का और यहां देंगे कि यहां E6 जो है वो इक्वल टू L होना चाहिए। एंड ओके करता हूं एंड अप्लाई करता हूं एंड ओके किया फिर, लेकिन ये नहीं हुआ। और हो गया ना, यहाँ पे एंड करना चाहिए था सेखा, अब होगा। तो अब जहां लीव होगा वहीं पे होगा, यहां दूंगा तो नहीं होगा क्योंकि 90 डेज से पहले का, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकता। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट मंथ लेता हूं मंथ, और मैं यहां इसको लिंक कर देता हूं, और इसके ऊपर मैं कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करता हूं। मैं डी डी एक बार डी और टी नहीं एम होगा ना, एम 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 वाले। उसके बाद क्योंकि इसको एक पेज में प्रिंट भी करना है तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में गए, और यहां हम दो बार डी डी कर देते हैं एंड ओके। फिर डबल क्लिक करके मैं इस पूरे सीट को सिलेक्ट करता हूं और इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। अब मुझे इसमें एक बैकग्राउंड कलर देना है, इसे बॉर्डर देना है, तो मैं यहां न्यू रूल्स में आता हूं, यूज फॉर्मूला, और यहां पे मैं बोलता हूं कि ये जो सेल है हमारा ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए। मैं कर देता हूं और इसमें बॉर्डर जाता हूं, इसमें फॉन्ट में बॉर्डर लिया एंड ओके कर दिया एंड, और फिर इसको फॉर्मेट पेंटर से अप्लाई कर देता हूं। फिर आप कस्टम फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा हमें, और यहां पे मैं कस्टम फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा ना, और यहां पे मैं दो बार डीडी कर दिया। अब देखिए अब मैं यहां मार्च का डेट चेंज करता हूं, तो ये फॉर्मेटिंग यहां भी अप्लाई होना चाहिए। मैं यहाँ पे फरवरी का डेट डालता हूँ, फरवरी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बन गई, और मैं जनवरी किया तो जनवरी के अकॉर्डिंग बन गई, और यहाँ पे डेट मैं डाल देता हूँ, डेट हो गया। इस तरह की चीजें, इसमें और भी चीजें अप्लाई करनी हो कस्टम फॉर्मेट से तो अप्लाई आप कर सकते हैं। क्लियर सर? इसमें कोई डाउट? और यहां मैं लेआउट में जाता हूं और यहां से ग्रिड लाइन को हटा देता हूं। इस तरह से ऑटोमेटिक फॉर्मेट आप बना सकते हैं जो कि आपके डेटा चेंज होने पे अपना फॉर्मेटिंग खुद ब खुद चेंज कर दे। तो राकेश जी एंड भगवान लाल जी, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नहीं, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं इसमें? नहीं सर। तो इस तरह के फॉर्मेट आप अपने अपने ऑफिशियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर।
ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। ये जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, सेव करके मैं दे देता हूँ। और यहाँ भी जैसे कि अगर ये है 20 से 21 वाला फॉर्मेट है तो यहाँ भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका अटेंडेंस बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं पी 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 करूंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ वीक ऑफ के लिए डब्लू या जो भी जाना चाहते हो डाल दीजिए आप। यहां पे मैं डाल दिया वीक ऑफ और मैं कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद जो भी लीव्स हैं वो लीव डाल दीजिए, या कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट डाल दीजिए, और कोई किसी दिन अगर एक्स्ट्रा वर्क किया है जैसे लीव के दिन भी वर्क किया है वो डाल दीजिए। रेस्ट अमाउंट हमारा बचा वो तो परसेंट है, तो मैं एक एक करके जो पी 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 लिखूंगा, एक एक करके जो मैं पी पी करके लिखूंगा, उससे अच्छा है कि इसको मैं सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक और यहां फॉर्मेट सेल में आके फॉर्मेट सेल माफ कीजिए राइट क्लिक नहीं करना फॉर्मेट सेल में, एक कंट्रोल एच होगा फाइनल रिप्लेस, इसको मैं बोलूंगा कि ब्लैंक को पी से रिप्लेस कर दूं, जितने भी ब्लैंक है सब में पी हो जाएगा, तो आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए कि 50 लोगों की अटेंडेंस आप बना रहे हैं तो 50 लोगों का 31 दिन से लीजिए, आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी 1550, लेकिन एवरेज जो है 2 दिन ही छुट्टी होता हर एम्प्लॉय, तो ऐसा आपको 100 एंट्री करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें आप ना सकते हैं, और ऑफिस में कुछ और इंडिकेट की दिए जाते हैं जैसे कि P4 प्रेजेंट होता है, क्योंकि P के भी कई सारे पार्ट होते हैं, R4 रेगुलर शिफ्ट, E4 इवनिंग शिफ्ट, N4 नाइट शिफ्ट, A4 आफ्टरनून शिफ्ट, M4 मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून नहीं होता माफ कीजिएगा मॉर्निंग होता है, इवनिंग वाले जो आफ्टरनून आ जाते हैं, 4 भी लिखे हो सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा करने के पीछे रीजन ये होता है कि ऑफिस में क्या होता है कि बहुत सारे ऑफिस जो है कैब जो है देते हैं, तो उसमें उनका ये होता है कि आप अगर इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तभी हम आपको देंगे। जैसे अगर आप इवनिंग शिफ्ट में है तो आपको ड्रॉप दिया जाएगा, पिकअप नहीं दिया जाएगा, नाइट शिफ्ट में है तो आपको पिकअप और ड्रॉप दोनों दिया जाएगा, रेगुलर शिफ्ट वाले को कैब नहीं दी जाती है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले को अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलता है कन्वेंस, तो आपको जैसे मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे का जैसा पिकअप होता है तो उनको मिलता है, तो उनकी कैब मिलता है तो उससे फायदा होता है कि नहीं, कैब का जो बिलिंग होता है वो करने में फायदा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। उसके बाद ये आपका लीव होता है, यहाँ लीव भी लिखा होता है या फिर पीएल भी लिखा होता है, टेबल लीव एक हो गया। दूसरा LWP लीव विदाउट पी भी हो सकता है, बहुत सारे ऑफिस यूज करते हैं LWP लीव विदाउट पी। वाई मतलब कि कॉम्प ऑफ, मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ पे किसी दिन उसने काम किया है एक्स्ट्रा वर्क किया है पी, तो इसके बिहार पे कॉम्प ऑफ ले सकता है। एक होता है आपका जिसे हमें ए लगा हुआ है, तो कुछ कंपनी ए लगाती है कुछ कंपनी देती है नो कॉल नो शो, नो कॉल नो शो कुछ कंपनियां इसका भी यूज करती है। ये हमारा ऑटोमेटेड अटेंडेंस का सिस्टम था, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ये फाइल में भेज देता हूं, ठीक है।
फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीज, हम कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा फील्ड के बारे में. ओके बाय.